नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज जो टाइटल मैं आपको बताऊंगा, सूखता बॉलीवुड। तो बॉलीवुड क्यों सूख रहा है, उसकी वजह क्या है, आज हम आपके सामने बहुत सारे तथ्य यहां पर आपको समझाएंगे, बताएंगे कि बॉलीवुड क्यों सूख रहा है। अब सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि बॉलीवुड एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता और एक ही सदाचार, एक ही शिष्टाचार पर कंटिन्यू लगातार अटैक कर रहा। अटैक का मतलब हो गया कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सहिष्णु हैं और वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए इन सनातन धर्मियों, सनातनी लोगों पर बॉलीवुड बार बार धीरे धीरे अटैक करता हुआ बढ़ता चला जा रहा। हमारे बॉलीवुड में बहुत पहले आपने देखा होगा, जब मूवी स्टार्ट होती थी तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा की फोटो या वीडियो आती थी और मूवी पिक्चर्स स्टार्ट हुआ करती थी, उसकी नंबरिंग आपने देखी होगी। तो उस टाइप का करिश्मा जो होता था वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया, बॉलीवुड से गायब हो गया। और बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे भक्ति गाने भी हुआ करते थे, लेकिन जब से गुलशन कुमार की मृत्यु हुई है, उनकी हत्या की गई और बॉलीवुड का धीरे धीरे इस्लामीकरण होने लगा, ये बॉलीवुड कराचीवुड कैसे बन गया, आज मैं आपको उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता हूँ कि वो कैसे बना। बॉलीवुड के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों का जमावड़ा होने लगा, फंडिंग होने लगी, गुलशन कुमार जैसे एक महान व्यक्तित्व को मिटा दिया गया और बॉलीवुड में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाना बॉलीवुड का मकसद हो गया। इसलिए बॉलीवुड को हमारे देश में बहुत सारे नौजवान कराचीवुड बोलते हैं। और कराचीवुड क्यों ना बोले, वो कराचीवुड बन गया है दोस्तों। जब आप एक ही संस्कृति को कंटिन्यू अटैक करेंगे तो उसको कराचीवुड बोला ही जाएगा। हमारे देश की इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री अगर अपने भारत देश की संस्कृति, कल्चर और यहाँ का जो वातावरण है या उसकी भव्यता है, उसका गौरव है भारत का, उसके बारे में अच्छा नहीं दिखाएगा तो उसको कराचीवुड ही बोला जाएगा। तो कराचीवुड का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तानियों की फौज या पाकिस्तानियों का अड्डा, और वो जितना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं भारत के खिलाफ, इसलिए उसको कराचीवुड बोला जा रहा है। कई सारी मूवीज की आपने स्क्रिप्ट देखी होगी कि जिसमें एक ही समुदाय विशेष के, आपने देखा होगा ब्राह्मण का मजाक बनाना, पंडित का मजाक बनाना, पुजारी का मजाक बनाना और बाबाओं के ऊपर मूवी बनाना, भगवान देवी देवताओं का अपमान करना, ये कराचीवुड का फैशन बन गया, ये उनका ट्रेंड बन गया, इनका धंधा बन गया है। हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो शांत है, ना तो उनका विरोध कर रहा है और ना कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ सालों से, 8-10 सालों से अभी आपने देखा होगा देश का माहौल चेंज हो रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि क्षत्रियों को लेकर कराचीवुड में लुटेरा, बलात्कारी, ठग और क्रूर राजा, राजपूत, मतलब राजपूतों को बहुत ही निर्दयी दिखाया गया, ब्राह्मणों के बारे में गलतफहमी फैलाई गई और फिर राजपूतों के बारे में भी मूवीज के द्वारा गलतफहमी फैलाई गई और उनको बहुत ही निर्दयी दिखाया गया कि सब कुछ ठाकुर का, बाकी सब दुनिया मजदूर, और ठाकुर लुटेरा, ठाकुर गांव का कब्जा कर लेता है, जमीन पे कब्जा कर लेता है, लोगों की जमीन छीन लेता है वगैरह वगैरह, आपने मूवी देखी होंगे। तो ठाकुरों का बहुत ही गलत व्यवहार उसमें दिखाया गया, ठाकुरों का मतलब क्षत्रिय का। उसके बाद में आते हैं बनियों,
बनियों पर भी जो वैश्य समाज है उनको लुटेरा दिखाया गया, उनको ठग दिखाया गया, उनको 420 दिखाया गया, उनको हेरा फेरी करने वाला दिखाया गया। इन तीनों के ऊपर अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक बॉलीवुड ने किए और हमारे सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान बहुत सोची समझी साजिश के लिए, साजिश के साथ किया गया। इसलिए एक ही धर्म को, एक सनातन धर्म को जो भारत की सभ्यता को बतलाता है, भारत की संस्कृति को बतलाता है, उसको इन लोगों ने टारगेट किया। आज घड़ा इनका फूट रहा है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का त्रिनेत्र खुल चुका है। जैसे भोले बाबा बहुत भोले होते हैं और वह हर तुम्हारे हर जुल्म को सहलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका त्रिनेत्र खुलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। तो आज वही हो रहा है देश में, हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जाग चुके हैं। हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर पर देखते हुए, लोगों ने बार बार देखते हुए इस अटैक को और हमलावर को समझ लिया है, इन हमलावरों को, इन जहादियों को पूरी तरह समझ लिया है और अब हिंदू बॉलीवुड का बहिष्कार करने लगा है और उनको औकात बताने लगा है। जिन स्टार्स को आप लोगों ने, जो हमारे देश के 110 115 करोड़ हिंदू हैं, इन्होंने स्टार बनाया, कट्टरपंथी मौलानाओं को स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाया, तो किसने बनाया? इस देश के सनातनी हिंदू ने बनाया। जब हिंदू आपको करोड़पति बना सकता है, आपको स्टार बना सकता है, तो आपको जमीन पर लाकर भी भिखारी बना सकता है। अब वही काम हिंदू कर रहा है और बॉलीवुड के एक एक स्टार को भिखारी बनाने का टाइम आ गया है। बॉलीवुड का इस तरह से बहिष्कार होता रहेगा, बॉयकॉट होता रहेगा, ये अपनी औकात भी आ जाएंगे। जब तक ये देश की संस्कृति, देश के गौरव, देश की भव्यता, देश की पावर और भारत की ताकत को नहीं दर्शाएंगे और भारत का बखान नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में भारत को गौरवान्वित नहीं करेंगे बॉलीवुड के द्वारा और अपनी मूवी के द्वारा, और ऐसी ऐसी मूवीज बनाएंगे जब भारत की महिमा, भारत की गरिमा, भारत का गौरव, भारत की भव्यता, भारत की ताकत, भारत की एकता, भारत की संस्कृति, भारत की विविधता में एकता और भारत की विशाल जो पूरा प्राचीन परंपराएं हैं और हमारी संस्कृति है और हमारे देश का गौरव है, वो सब कुछ अगर ये मूवीज में नहीं दिखाएंगे और इसका बखान पूरे वर्ल्ड में नहीं करेंगे, तब तक इनका बायकॉट होता रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मजे वाली बात। जिस तरह से इन राइटर्स ने स्क्रिप्ट लिखी है, सनातन धर्म के विरोध में लिखी है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य के विरोध में लिखी है, और जो ड्रामा दिखाया गया है, एक ही समुदाय को टारगेट किया है, एक ही जाति को, एक ही लोगों को टारगेट किया है समाज को, वो भी इन पर अब महंगा पड़ रहा है। लोग समझ चुके हैं दोस्तों इनको, ये हर मूवी में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हर मूवी में सनातन धर्म को टारगेट किया है। आप लोगों को ज़्यादा खुल के बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं, समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी वजह, पहली आपने वजह जान ली, इनकी कट्टरता और एक धर्म को, एक सनातन धर्म को जो देश की भव्यता को बताता है, गौरव बताता है, इन्होंने उसी को टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, बता रहा हूँ कि इनकी मूवी क्यों नहीं चल रही है, क्यों बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ये इंग्लिश है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी यहीं रह गई। बॉलीवुड के अंदर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस राइटर और जो डायलॉग लिखते हैं वो, कैमरामैन, फोटोग्राफर, जितने भी बॉलीवुड के अंदर जो मूवी बनती है, जितना भी बड़े बड़े जो लोग, जो मतलब इनका जो मैनेजमेंट होता है, जो लोग मूवी बनाते हैं, ये लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। आपस में बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनको हिंदी सही से नहीं आती, हिंदी सही से नहीं आती।
अब जब दोस्तों इनको हिंदी आती नहीं है, हिंदी इनको सही से नहीं आती। पहले आपने देखा होगा, गाने सुने होंगे, मतलब मूवी के माध्यम से और मूवी की कहानी के आधार पर जो पिक्चर हुआ करती थी सिनेमा में, जो मूवीज हुआ करती थी, स्टोरी हुआ करती थी, कहानी हुआ करती थी, उन कहानी के माध्यम से हर इंसिडेंट जो उसमें चलचित्र चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स डाले जाते थे और हर मूवी में 10-10 गाने हुआ करते थे। आज 10 गाने 8 गाने नहीं हो रहे, आज 2-3-4 गाने होते हैं और अच्छे अच्छे जो आपके सिंगर हैं उनको मौका नहीं मिलता। चमचों को बॉलीवुड के में मौका मिलता है गाने गाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, आप समझिए। जो अच्छे सिंगर हैं उनको मौका नहीं मिलता है, जो चमचे हैं खान गैंग के उनको मूवीज में गाना गाने के लिए मिलता है। तो गाने कितने होते हैं मूवी में? आज 4-5 होते हैं, पहले 10-12 मूवी में एक मूवी में 10-12 गाना हुआ करते थे और बड़े अच्छे अच्छे गाने होते थे। आपने सुना होगा कुमार सानू को, उदित नारायण को सुना होगा, किशोर कुमार को सुना होगा, मोहम्मद रफ़ी को सुना होगा, लता मंगेशकर को सुना होगा, अलका याग्निक को सुना होगा आपने, सुनील चौहान को सुना होगा, सोनू निगम को सुना होगा, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर को सुना होगा और गाने सुने होंगे। तो पहले की मूवी होती थी उनमें बहुत ही सुरीले और मन को मोहने वाले गाने हुआ करते थे। आज की डेट में गाने आपने देखा होगा कैसे होते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा और सीधा अंदर आओ राजा, मतलब डायरेक्ट प्यार यार कुछ नहीं, सीधे अंदर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह का बॉलीवुड में दोस्तों ये बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा, बॉलीवुड ने समाज में इतना ज़्यादा अश्लीलता फैला रखी है, इतनी गंदगी फैला रखी है बॉलीवुड ने, समाज बर्बाद हो रहा है। हमारी न्यू जनरेशन को ये बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब जो जनरेशन हमारी आ रही है, पीढ़ी आ रही है, हम उनको बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। अब बात आती है ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर, डायलॉग जो लिखते हैं और कैमरामैन, फोटोग्राफर वगैरह वगैरह जो भी इसमें लोग होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी इनकी बहुत वीक होती है। अगर हम राइटर की बात करें, डायलॉग वाली वाली बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो इनको हिंदी बहुत कमजोर है, इनकी हिंदी बहुत बेकार है, हिंदी अच्छी नहीं। अब इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, कल्चर को जानने के लिए इनको हिंदी भाषा में पढ़नी पड़ेगी पुस्तकें और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी पढ़नी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, अंग्रेजी में तो शेक्सपियर मिल जाएगा और दुनिया भर के उपन्यास मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ना है, भारतीय संस्कृति को स्टडी करना है, तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छी कहानियां नहीं लिख सकते, आप अच्छी संस्कृति के बारे में समझा नहीं सकते लोगों को। आपको हिंदी नहीं आती तो आप समाज के बारे में अच्छी बातें भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप किसी को ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग तो अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन अगर आपको हाथ जोड़ के किसी से नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, तो डिफरेंट चीज़ है। तो आपने अगर भारत में बॉलीवुड को चमकाना है तो आपको बॉलीवुड को बदलना पड़ेगा, हिंदी सीखनी पड़ेगी। और इन किसी गधों, ये जितने भी गधे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्टर, राइटर, सबसे नीचे राइटर की अंग्रेजी बहुत, राइटर की हिंदी ही बहुत बेकार है, हिंदी नहीं आती उसको। और अगर आपको चमकना है, बॉलीवुड को चमकाना है, बॉलीवुड को दोबारा से, ये जो सूख रहा है बॉलीवुड, सूखता बॉलीवुड, तारीफ जो हमारा टाइटल है वो है सूखता बॉलीवुड, तो अगर इस सूखते हुए बॉलीवुड में पानी की धार लगानी, पानी डालना है, बरसात करनी है इसमें, तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, आपको संस्कृत के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, आपको देश की संस्कृति, देश का गौरव, देश की संस्कृति, देश की अखंडता, देश की साइंस, देश की टेक्नोलॉजी और देश की विविधता, जो विविधता में एकता है भारत की, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ जो बॉलीवुड के राइटर हैं उनको सबसे पहले अगर बॉलीवुड में पानी डालना है, सूखे से बचाना है, तो उनको क्या क्या जानना चाहिए? सबसे पहले भारत का कल्चर,
कल्चर और भारत का गौरव। चलिए हम भी आपको संस्कृत, आपको हिंदी साहित्य और आपको भारत का गौरव भारत का विज्ञान भारत की तकनीक भारत की पावर भारत की शक्ति भारत की सेना और भारत के संसाधन भारत की बढ़ती हुई सेना की ताकत भारत की अखंडता भारत का किसान कृषि भारत का व्यापार और भारतीय समाज दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको भारत का पूरा गौरव आपको पता होना चाहिए। आप बॉलीवुड के राइटर हैं, अगर कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं तो आप जस्ट भारत, आपको भारत देश के बारे में जब कुछ पता नहीं होगा तो आप ऊटपटांग चीजें ही लिखोगे, आप फालतू की कहानियां बनाओगे और एंटरटेन के नाम पर आप उसमें अश्लीलता को घुसा दोगे, लड़कियों को नग्न होकर उसमें दिखाओगे। और लड़कियों का क्या है दोस्तों, आज का माहौल ये बन गया है कि नई हीरोइन बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए 2 करोड़ रुपए में या 1 करोड़ रुपए में भी तैयार हो जाएगी, वो भी बड़े पर्दे पर आने के लिए। आप उसको बोलोगे बिकनी पहनो पहनेगी, आप उसको बोलोगे ब्रा पहनकर पोज करिए और आपकी यहाँ पर शूटिंग होगी, वो ब्रा पहनकर भी करेगी। आप उसको बोलोगे वो भी निकाल दो, वो भी निकाल देगी। भारत में इस तरह से ये सब हो रहा है, लोग बड़े पर्दे पर आने के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, लड़की बिक रही है दोस्तों। और बॉलीवुड में ये धंधा बहुत जोरों से है, अश्लीलता का धंधा और नग्नता का धंधा और फूहड़ता और सिवाय बदतमीजी बाईहात और बेहुदापन के कुछ नहीं है। बॉलीवुड के अंदर सस्ती से सस्ती हीरोइन आपको मिल जाएगी, नई हीरोइन को आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएगी, आपको कुछ तो फ्री मिल जाएंगी। उनको बोल दोगे आप कि आपको बड़े पर्दे पर ले आएंगे, एक बार में चमक जाओगी हीरो के साथ में, किसी बड़े हीरो के साथ में। अब मान लो कोई बड़ा एक्टर है बॉलीवुड का, उसके साथ में कोई 20 साल की लड़की आ जाएगी, फोकट में आ जाएगी ना, उसको साथ मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो टच ही कर लेगी हीरो एक्टर को, बड़े एक्टर को, तो वो इतने में ही उसका ड्रीम बन जाएगा और वो खुश हो जाएगी। तो ये बिकाऊ लोग हैं, यहाँ बहुत सस्ती मिल जाएंगी आपको ये बालाएं और महिलाएं। तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी बालाएं। आप 2 करोड़ छोड़ो, आप किसी भी लड़की को, अगर आप ग्रेजुएट पास लड़की को बोल दो कि आपको अक्षय कुमार के साथ मूवी करनी है, सलमान खान के साथ मूवी करनी है, तो पागल हो चुकी हैं। आप देखा होगा छत पे फैन घूम रहा होता है, पंखा कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसकी फैन होगी, और जब उसकी फैन है तो उसके साथ मूवी करने को मिल जाएगी तो पागल हो ही जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़की के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी के पंखे हैं, अगर आप किसी के पंखे हैं और इतने बड़े पंखे हैं कि आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े चूतिया हो, मूर्ख आदमी हो, ठीक है।
आप किसी के पंखे मत बनो, आप अगर पंखे बनना है तो अपने आप के पंखे बनो, खुद से प्यार करो। देखिए वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तुम अपना पैसा कमाओ, तुम अपनी मेहनत करो, अपने आप को स्टार बनाओ। उन्होंने क्या है ऑडियंस को उल्लू बना के पैसा कमा लिया। आप बताइए बॉलीवुड एक्टर दिखाया जाता है 50 आदमी को, 50 आदमी या गुंडे, हीरो मारता है, हीरो 5 मिनट सबको मार देता है, जमीन लुटा देता है। क्या कोई हीरो किस एक्टर रियल लाइफ में किसी एक आदमी को मार पाएगा? एक आदमी नहीं मार पाएगा, एक आदमी से वो मारना छोड़ो वो लड़ेगा ही नहीं। लेकिन हमारे देश की 70% जो गांव में निवास करते हैं लोग, गांव में वो पगलिया आते हैं, वो उनकी फाइटिंग सीन और उनके स्टंट सीन देख के पगलिया आते हैं और वो उनके हीरो के फैन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फैन। अरे वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, तो वो एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पैसा बने। देखिए कॉमर्शियल एक्टर, जो कॉमर्शियल एक्टर होते हैं जैसे कि आपका हो गया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार हो गया, शाहरुख हो गया, सलमान हो गया, आमिर हो गया, अजय देवगन हो गया, रणबीर कपूर हो गया, रणवीर सिंह हो गया। दोस्तों ये सब कॉमर्शियल एक्टर है। कौन है ये कॉमर्शियल एक्टर? ये सिर्फ पैसा, मनी, ये मनी के लिए कुछ भी करेंगे, पर्दे पर आकर ये मनी के लिए कुछ भी करेंगे। जो इनको स्क्रिप्ट दी जाएगी, जो इनको डायलॉगबाजी दी जाएगी, वो डायलॉगबाजी करेंगे और पैसा कमाएंगे। इनका काम है ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, ठीक है। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और भी कई सारे एक्टर हैं बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन भी है, कॉमर्शियल एक्टर है अमिताभ बच्चन, प्योर कॉमर्शियल एक्टर है, बढ़िया आदमी है बिल्कुल। उसको घंटा भर नहीं पड़ता देश बर्बाद हो जाए, क्या हो जाए, सनातन धर्म से मतलब नहीं है उसको, देश से मतलब नहीं है अमिताभ बच्चन को, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। तो आपने देखा ये कमर्शियल एक्टर है, इनको कोई मतलब नहीं होता आपकी आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से। दूसरा आपने देखा होगा बॉलीवुड की कट्टरता, जो कट्टरता है ना बॉलीवुड के अंदर, वो बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है। एक ही सनातन सभ्यता को टारगेट करने से बॉलीवुड सूख रहा है और ये बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और एक इसमें और बहुत बड़ा फैक्ट है कि न्यू एक्टर को चांस ना देना, न्यू एक्टर नो चांस, आप समझ रहे हो, नो न्यू एक्टर नो चांस। मतलब अगर कोई नया लड़का है और वो अच्छा अभिनेता है, अच्छी एक्टिंग करता है, तो उसको बॉलीवुड के अंदर चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको चांस लेना है तो आपको अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान जैसे लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? चमचागिरी करनी पड़ेगी। आप इतने इनके चम्मच बन जाएंगे तो आपको चांस मिल जाएगा। अगर आप चमचे हैं तो आपको बॉलीवुड के अंदर चांस मिल जाएगा, अगर आप चमचागिरी नहीं कर सकते तो आपको चांस नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप गर्ल हैं और बॉलीवुड में एंट्री चाहती हैं और आप खूबसूरत हैं,
अब दिखने में अच्छी है तो आप खान गैंग से मिलिए, खान गैंग से मिलने के बाद आपको चांस मिल जाएगा। चांस क्यों मिल जाएगा? खान गैंग आपको ऑफर देगा, आप समझ चुके हो कि आपको किस चीज का ऑफर देगा। आप गर्ल हैं, आप उनकी सभी शर्तों को एक्सेप्ट करेंगी, आपको सिनेमा में पर्दे पर आने का मौका मिल जाएगा किसी बड़े एक्टर के साथ, ठीक है। आप अगर गर्ल हैं, अगर आप बॉय हैं तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी। गर्ल हैं तो आपको उन्हें खुश करना पड़ेगा, डायरेक्टर हो गए या जो भी है, खान गैंग में सब आते हैं, बॉलीवुड गैंग भी कह सकते हैं, कराची वुड कह सकते हैं। आप इनको हैप्पी करिए, बॉलीवुड वालों को पिक्चर लीजिए, पिक्चर मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी पक्का, किसी न किसी हीरो से मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पिक्चर। आप हैप्पी करिए। लेकिन अगर आप बॉय हैं तो आपको बॉलीवुड के जो दल्ले हैं, दलाल हैं, उनके चमचे बनना पड़ेगा, उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, अपने आप को बेचना पड़ेगा, अपने आप को गिरा देना पड़ेगा, अपने आप का जमीर बेचना पड़ेगा, आप उनके कदम गिर जाओ, कुछ भी हो अगर आप बॉय हैं। उसके बाद भी चांस नहीं है कि आप चमक जाओगे, समझ जाओ, उसके बाद भी चांस नहीं है आपके कि आप चमक जाओगे। आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत चमका था, लेकिन उसको तबाह कर दिया और सुशांत सिंह का शिकार किया गया। दोस्तों एक नाम है बहुत ही, सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों ये एक्टर थे, बहुत ही नई उम्र का लड़का था सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के रहने वाले थे ये, और बॉलीवुड में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। इन्होंने करियर स्टार्ट किया था अपना बॉलीवुड में दोस्तों, लेकिन इनका करियर तबाह कर दिया गया, रिया नाम की बकरी को इस्तेमाल किया। रिया एक लड़की थी, रिया नाम की लड़की को इस्तेमाल किया, वो बकरी थी, और इस शेर का शिकार कर दिया। बॉलीवुड वालों ने इस शेर का शिकार कर लिया और इसको खत्म कर दिया और ये मारा गया। अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है कि किसने मारा, क्यों मारा, लेकिन ये मार दिया गया। ये बंदा ऐसा था अपने आप को आत्महत्या कर ही नहीं सकता था अपनी, लेकिन ये मार दिया गया। बकरी है रिया, रिया नाम की लड़की थी जो एक बकरी थी, उसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, ऐसा मीडिया में चल रहा है और सूत्रों के हवाले से भी खबर सबको मिली है, लेकिन इसका हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि रिया ने यह ऐसा किया, लेकिन ये बकरी साबित हुई, इस शेर का शिकार करने के लिए बकरी साबित हुई। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो बहुत ही दिल का अच्छा आदमी था, वो इनकी तरह धूर्त चालाक सातीर गड़बड़ घोटाला षड्यंत्रकारी नहीं था। अगर वो ऐसा होता तो इसको रिया की क्या औकात थी, वो सुशांत सिंह राजपूत को झांसे में लेती या उसका कुछ बिगाड़ पाती, लेकिन वो बहुत शरीफ और अच्छे घर का बंदा था, इसलिए वो रिया जैसी एक घटिया लड़की के चक्कर में पड़ गया। क्या रिया जितनी भी अंकिता लोखंडे भी थी, वो भी ऐसी थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया, रहती सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी और चुम्मी देती थी रणवीर सिंह को, किस देती थी रणवीर सिंह को, और दिखावा करती थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका है। तो इन लड़कियों पर भरोसा मत करो। सुशांत सिंह राजपूत की करियर बर्बाद हो गया, उसकी हत्या भी हो गई, गोरो मर गया। दूसरा आता है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जो ये एक्टर थे, ये भी एक्टर थे भाई साहब, बढ़िया पर्सनैलिटी थी बंदे की सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला को भी एक बकरी ने फंसाया, बकरी का नाम था शहनाज गिल, है ना।
दोस्तों बकरी का नाम था शहनाज गिल। अब ये शहनाज गिल मुस्लिम थी, इसने सिद्धार्थ शुक्ला को फंसाया। सिद्धार्थ शुक्ला से पैसा आया था मनी, इसने मनी के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को फंसाया और सिद्धार्थ शुक्ला की भी रहस्यमयी मौत हो गई। हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, लेकिन बहुत ही कम एज में ये चले गए, कुछ पता नहीं चला। शहनाज गिल ट्विटर पर रोती रही, फेसबुक पर रोती रही, यूट्यूब पर रोती रही कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, महीना दो महीना इसका नौटंकी चली, ड्रामा दिखा। लेकिन दोस्तों मैंने रील्स पे और मीडिया में देखा है कि शहनाज गिल जैसे नागिन नाग को लिपटती है, नागिन एक नाग को या सर्प को लिपट जाती है मोहब्बत में, या अंगड़ाई लेती है, या रोमांटिक होके लिपट जाती है, ऐसा लगती है, ऐसा लगता है शायद ये नागिन जो है वो नाग को या सांप को खा जाएगी, सर्प को खा जाएगी। ऐसा ही मैंने शहनाज गिल को दोस्तों सलमान खान से लिपटे हुए देखा। सलमान खान को ये चाट रही थी, सलमान खान को चूम रही थी, सलमान खान के तलवे चाट रही थी ये शहनाज गिल। इसकी आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ये शहनाज गिल जो सिद्धार्थ शुक्ला के रो रही थी, ड्रामा कर रही थी, वो कुछ टाइम तक सलमान खान की रखेल बनकर रही है। दोस्तों ये रियलिटी है, सत्य है। शहनाज गिल को मैंने खुद सलमान खान को मीडिया में चाटते हुए देखा, ये सत्य है, बहुत कड़वा, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ शुक्ला मत बनिए, सुशांत सिंह राजपूत मत बनिए, इस तरह की शहनाज गिल हो चाहे वो रिया हो, इनसे बच के रहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा शातिर खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी बन जाइए, पहले आप इस फील्ड के खिलाड़ी बन जाइए, लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, इसके खिलाड़ी बन जाइए, उसके बाद रिया टिया शहनाज गिल कोई हो, इनको लपेट के बाहर करिए। कच्चे खिलाड़ी मत बनिए, ठीक है। अगर आपको लाइन बनना है तो आपको जंगल को समझना पड़ेगा, अगर आपको शेर बनना है तो आपको जंगल समझना पड़ेगा कि जंगल में कौन कौन टाइप के शेर, भेड़िए, सियार, भालू, कुत्ता, बंदर, हाथी, जितने भी हिंसक जानवर है रह रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा अगर आपको लाइन बनना है। अगर आप लाइन नहीं बन सकते तो आप शिकारी बन जाइए, आप शिकारी बन जाइए दोस्तों। जब आप शिकारी बन जाएंगे तो आपको रिया टिया शहनाज गिल कोई भी दुनिया की कोई भी अप्सरा आपका बाल बांका नहीं कर सकती, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको शिकारी बनना पड़ेगा, समझा, आप शेर मत बनिए, आप शिकारी बनिए। सुशांत सिंह राजपूत बहुत छोटा सा बच्चा था, बच्चा ही था, इसलिए रिया और टिया जैसी लड़कियां उसको निगल गईं, नागिन निगल गईं, और शहनाज गिल जैसी नागिन ने सिद्धार्थ शुक्ला को निगल लिया। तो आप शिकारी बनिए, मामूली आदमी मत बनिए, आपने बनना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है और आपको बनना है ये ग्रेट पर्सनालिटी। आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी बनना है दोस्तों, हल्के मत लेना। उसके बाद आपको ये शहनाज गिल, रिया टिया, ठीक है, पूर्वी सुरभि, उर्फी, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, जाल बिछाएंगी और आपके मनी को चाटेंगी। कुछ मनी के लिए आती हैं और कुछ हनी के लिए आती हैं, जो आपके हनी होगा वो भी चाटेंगी। मनी और हनी ये दो चीजें होती दोस्तों, या तो मनी को चाटने आएगी मधुमक्खी, या मक्खी या आपके हनी को चाटनी है, तो सावधान रहिएगा। सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है। अब बात करेंगे सुक्ता बॉलीवुड का, हाल देख लिया आपने, बर्बाद हो रहा था, जितने भी एक्टर हैं बर्बाद हो रहे हैं। साउथ सिनेमा ऊपर क्यों जा रहा है,
बिल्ड, दोस्तों बिल्ड हो रहा है, BUILD, साउथ सिनेमा, दोस्तों साउथ सिनेमा क्यों चमक रहा है पता है? साउथ सिनेमा की खास बात क्या है? वो देश धर्म संस्कृति का बहुत ध्यान रखते हैं। किसी भी एक मजहब संप्रदाय पंथ या धर्म या संस्कृति को टारगेट नहीं करते, और इनकी मूवीज में स्टोरी में भी दम होती है। बॉलीवुड का क्या काम है, बॉलीवुड जो है साउथ सिनेमा की जो मूवी है उनको चुरा लेता है, उनकी कहानी चुरा लेता है। जैसे आपने वांटेड देखी होगी, तो वांटेड मूवी जो है वो पहले ही रिलीज हो चुकी थी, बन चुकी थी साउथ सिनेमा में, लेकिन उसको सलमान खान जैसे लोगों ने बाद में, सलमान खान जो वांटेड का जो राइटर था, जो डायरेक्टर था या प्रोड्यूसर था, उसने बहुत ही बाद में उसको बनाया, जबकि वैसी मूवी सेम साउथ सिनेमा पहले ही रिलीज हो चुकी। बहुत सारी मूवीज है, एक का नहीं नाम दे रहा हूं मैं, आपने उसकी देखी होगी अक्षय कुमार की खिलाड़ी 786, और आपने अक्षय कुमार की कई सारी मूवीज देखी हैं, राउडी राठौर देखी है, राउडी राठौर भी साउथ सिनेमा पहले बन चुकी थी। तो बॉलीवुड का काम क्या रह गया, सिर्फ कॉपी करना। ये चूतिए, इनकी हिंदी इतनी कमजोर है कि ये लाए कहां से कहानी लाए कहां से, इसलिए इन्होंने क्या करा, साउथ सिनेमा की कॉपी कर लेते हैं, इनकी मूवी चुरा लेते हैं और बना देते हैं, ये समझते हैं चमक जाएंगे। जनता परेशान हो रही है और बॉलीवुड को बाइकॉट कर रही है, और बॉलीवुड का बाइकॉट होता रहेगा। जनता ने नकार दिया, जनता ने बॉलीवुड को नकार दिया। जनता ने बॉलीवुड को नकार दिया, वजह मैं आपको बता चुका हूं। साउथ सिनेमा की कॉपी करता है बॉलीवुड, और बॉलीवुड नंगई पुंगई ज्यादा फैलाता है, अश्लीलता फैलाता है, ठीक है। अभी आपने देखा था रणवीर सिंह जो था वो नंगा हो गया था, बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं पहना उसने, और उसने नंगा हो गया और उसका फोटो वायरल हो गया, उसने फिर भी कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई रोड पे नंगा होके घूम हमें क्या है, नंगा होके घूम। और हाँ, उसके बाद बेसर्मी देखिए, उर्फी जावेद कहती है कि वो ग्रेट पर्सनालिटी है, बढ़िया, वाह क्या बढ़िया शरीर है। तो बढ़िया शरीर तो नंगा करिए उसको, अपने घर में उसका फोटो लगाइए, नंगा फोटो लगाइए। उर्फी जावेद से मैं कह रहा हूँ कि रणवीर सिंह की एक नंगी फोटो अपने घर में जो अपना बेडरूम है उसमें लगाइए, सामने जहाँ लेटती हो, आंखों के सामने नंगी फोटो जो रणवीर सिंह वाली वो लगाइए। विद्या बालन ने कहा कि अभी तक तो औरतें नंगी होती थी, और मैं डर्टी पिक्चर में कई बार नंगी हुई हूँ, और मैंने नसरुद्दीन शाह के साथ बहुत सारे ऐसे सीन्स किए हैं, गंदे सीन किए हैं, मुझे बहुत मजा आया। विद्या बालन की बात कर रहा हूँ, जो सती सावित्री बनी फिरती साड़ी पहन के, एक नंबर की वैश्य औरत है, दो टके की औरत है विद्या बालन, आपने उसकी डर्टी पिक्चर देखी होगी। और एक दिन मीडिया में खबरें आई थी कि उसने बोल दिया कि मेरा फिगर देख रहा था भारतीय आर्मी का जवान, मतलब इंडियन आर्मी का जवान था, उसका फिगर देख रहा था। इंडियन आर्मी के जवान ने फिगर नहीं देखा था, लग रहा उसकी औरत नहीं थी, और रड़ुआ था क्या जो तेरा फिगर देख रहा था, और तुम फिगर दिखाए देखेंगे नहीं, तुमने डर्टी पिक्चर में फिगर क्या, तुमने सब कुछ दिखाया, तुमने गड्ढा दिखाया, फिगर दिखाया, सब कुछ दिखाया। और बुढ़े नसरुद्दीन शाह के साथ इंजॉय किया, मजे लिए, एंटरटेन किया, इमरान हाशमी के साथ में तुमने मूवी की, कई सारी तुमने उसमें वीडियो दी, डर्टी पिक्चर विद्या बालन तुम्हारी है। तो विद्या बालन क्या कहती है, कहती है अभी तक हम दंगे हो रहे थे, हमारे जैसी औरतें नंगी हो रही थी बॉलीवुड में, और सबका एंटरटेनमेंट हो रहा था, और अब अगर रणवीर सिंह नंगा हो गया है तो क्या दिक्कत है, पहले और आदमियों ने आंखें सेक की औरतों को देखकर, और अब हम आंखें सेक लेंगे रणवीर सिंह को देखकर। ये बयान है विद्या बालन का, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जाके मीडिया में सर्च कर लीजिए, आप विद्या बालन को सर्च कर लीजिए, विद्या बालन ने ये बात बोली है कि नहीं बोली है। विद्या बालन ने हंसते हुए दांत निपोरते हुए बोला, मतलब दांते निपोरते हुए बोला, खींच काटते हुए बोला कि अभी तक तो हमारे लोगों ने मजे लिए, हमें देखा है आंखें सेक की है, और अब हम रणवीर सिंह को देख के आंखें सेक लेंगे, और बहुत ही दांत फाड़ते हुए। तो ये है जाहिलियत और बाइयात औरतें। राखी सावंत तो नौटंकी देखी होगी, और हाँ रणवीर सिंह की औरत जिसका नाम है दीपिका पादुकोण,
है ना, राम मिलाए जोड़ी और एक अंधा है कोड़ी, और दीपिका पादुकोण जो पद्मावती में पद्मावती बनी थी, वो रानी बनी थी साली। तो वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि रणवीर सिंह ने कुछ गलत नहीं किया। अरे अगर कुछ गलत नहीं किया है तो रणवीर सिंह को कपड़े काहे पहना रही हो, खुद भी नंगी हो जाओ, उसको भी नंगा कर दो, एंजॉय, लोग मजे लेंगे तुम्हारे, हम भी कह रहे तुम भी हमारे यहाँ मोहल्ले में आके नंगी हुआ करो, लोग मजे लेंगे तुम्हारा। तो बॉलीवुड के हौसले किसने बुलंद किए, 115 करोड़ सनातनी हिंदू, इसने इंटरटेनमेंट के चक्कर में बॉलीवुड को बहुत ही सहारा दिया, और 200 रुपए की टिकट, 300 रुपए की टिकट, और 400 रुपए की टिकट, और 500 की टिकट, और कहीं कहीं तो 1000 की टिकट भी होगी अच्छे भाई प्लेक्स मल्टीप्लेक्स मॉल में। इस तरह से टिकट खरीद के इस बॉलीवुड को जो साथ सूखने लगा है, इसको अरबों रुपए की दौलत दी है इस 15 करोड़ ने, सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर। अब इनकी आंखें खुली हैं, ये सनातनी हिंदू अब ये जागे हैं, अभी तक ये सो रहे थे, अब इनकी आंखें खुली हैं, अब ये बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा आपसे, जिस तरह से आप जागे हो ऐसे ही काम करते रहना, और बॉलीवुड जब तक अपनी औकात पे ना आ जाए, जब तक जो कुछ कर रहा था वो बंद करके बिल्कुल भारतीय संस्कृति और भारत का गौरव, भारत की संस्कृति का बखान नहीं करने लगता अपनी मूवी के द्वारा, तब तक इस बॉलीवुड को आप बर्बाद करते रहोगे, क्योंकि आपने इसको इतना बढ़ावा दे दिया था कि ये गलत को भी सही कह रहे हैं, मतलब ये अगर नंगे हो रहे हैं तो आप इनको बोलो कपड़े पहन लो, तो ये कहते हैं नहीं जी, नंगा होना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये तो संविधान ने हमें कहा है कि आप नंगे हो सकते हैं, कहीं भी नंगे हो सकते हैं, रोड पर नंगे हो सकते हैं, चौराहे पे नंगे हो सकते हैं, पर्दे पे नंगे हो सकते हैं, कैमरा के सामने नंगे हो सकते हैं। तो ये किसने दिया बढ़ावा, इस सनातनी हिंदू ने, इस भारतीय समाज ने। सनातनी हिंदू तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की मारी गई, सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू को फैला गया, इनके धर्म इनके समाज, और भारतीय समाज, भारतीय समाज को अब समझ में आने लगा है कि बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। अगर बॉलीवुड का बहिष्कार आज नहीं हुआ तो ये तुम्हारे सर पर तांडव करेंगे, और ये नंगे होकर तांडव करेंगे, आपके घर में बेटा बेटी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, आपका बच्चा भी आपके सामने नंगा होगा, आपकी औरत भी नंगी घूमने लगेगी, और आप उसे रोक नहीं पाओगे जी, क्योंकि ये सब बॉलीवुड का असर है, फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जो नंगापन, जो फूहड़ता, जो नग्नता फैलाई जा रही है वो आधुनिकता नहीं है, और वो आधुनिकता किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकती। इस बात का हम खंडन करते हैं, और जिसमें दम हो वो डिबेट कर ले, बात कर ले कि अगर नंगा होना, नंगा हो जाना अगर आधुनिकता है आधुनिकता अगर है तो दोस्तों जंगल में रहने वाला हर जानवर तुमसे ज्यादा आधुनिक, क्योंकि तुम कभी कपड़े पहन लेते हो, वो कभी कपड़े नहीं पहनते। नंगा हो जाना अगर आधुनिकता है तो जंगल में रहने वाला हर जानवर, हर जीव जंतु तुमसे ज्यादा आधुनिक है, और
हमारे मोहल्ले में, गांव में, शहर में, बस्तियों में, गांव में, खेतों में जो भैंस, गाय, बकरी, हिरण, बैल, गधा, घोड़ा, कुतिया, कुत्ता, खरगोश, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये नंगे हैं, ये चड्डी नहीं पहनते, बिल्कुल नंगे रहते हैं, तो ये भी आपसे ज़्यादा आधुनिक हैं। ये आपसे ज़्यादा आधुनिक है, समझ चुके हो? जितने भी जीव जंतु हैं वो आपसे ज़्यादा आधुनिक है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा नंगे हैं। आप तो कपड़े फिर भी बहुत पहन लेते हो कुछ, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं पहनते, तो आपसे ज़्यादा आधुनिक है, बोल्ड है, और वो आपको सब कुछ अपना दिखाते फिरते हैं। तो आप बताइए, तो इन नंगे हो जाने वाले लोगों को आप आधुनिक कहोगे दोस्तों? अगर ये अपने आप को आधुनिक बोलते हैं तो इनका बॉयकॉट, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, वरना ये आपके जो हमारे देश में अगर 50 करोड़ अगर हमारे घर में अगर हमारे यहाँ 50 करोड़ घर है देश में, तो ये 50 करोड़ घर और 50 करोड़ फैमिली को बर्बाद कर देंगे, समझ रहे हो? ये आपके